लगातार सीटों पर रैलियां कर रहे थे, सड़कों पर भी लोग रोड प्रदर्शन कर रहे थे, रोड रोक रहे थे और सरकार को याद करा रहे थे कि आप जो कानून लेकर के आए हैं अध्यादेश के रूप में शुरू हो जाए मोशी ने से रोड शुरू कर दिया, मगर सरकार ने नहीं सुना और उस अध्यादेश का कानून के रूप में जाकर के पास करवा दिया गया। दूसरा चरण भरा शुरू हुआ जब 26 तारीख को दिल्ली के अंदर पूरा हरियाणा पंजाब के किसान ट्रैक्टरों में रैली लेकर के दिल्ली पहुंचे और दो महीने लगातार धरना चला। विभिन्न कार्य प्रोग्राम दिए गए, आपके यहां भी बहुत से प्रोग्राम हुए, हमारा दो महीने का चरण चला और सरकार को हमने हर मोर्चे पर मात दी। जिस दिन से आंदोलन चला हुआ उसी दिन से सरकार छह घंटों पर उतरी गई। जब पंजाब का किसान दिल्ली के तो खुद कर रहा था, जब हरियाणा का किसान उसका साथ दे रहा था, सबसे पहले हमारे को मतदान करने के लिए आ रहा है खालिस्तानी है, ये वाम पंथ है, ये किसी राजनीतिक ताकत से प्रॉमिस लेकर के फैसला लेकर के चल रहे। जब इन भाषणों में किसान नहीं आया, जब इन बातों से किसान नहीं टूटा, तब हमारे बीच में कर्मचारी ने उठाए हमारे को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश होती गई। 26 तारीख का महत्वपूर्ण दिन था, देश के अंदर राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, भारत का किसान पहली बार आजाद है, भारत के अंदर प्रश्न परेड लेकर के दिल्ली में अपना प्रदर्शन कर रहा था, इंडिया का सम्मान कर रहा था, सम्मान तिरंगा अपने पैतों पर लगा करके दिल्ली के अंदर मार्च कर रहा था। हमारा रिंग रोड का प्रॉब्लम, हमारा रिंग रोड के अलावा छोटे छोटे और रोड दिए गए थे, उनका प्रॉब्लम था। लाल किले का बड़ा प्रॉब्लम है, लाल किले पर जाने के लिए हमने किसान मोर्चा ने कभी घोषणा नहीं की थी। हमारे बीच में देशद्रोही लोगों को घुसा करके हमारे लोगों को कमजोर करने की कोशिश की हुई, महीनों से हमारे लोग उनके अंदर दिखाए थे और पूरी की पूरी मूवमेंट को बता करके लाल किले के ऊपर निशान साफ चढ़ा दिया गया सरकारों को। आंदोलन का बदलाव क्या क्या करने लगा, हमारे किसान नेताओं में भी बड़ा भ्रम फैलेगा, हम भी किसानों से बड़े नाराज हुए जो पंजाब के किसान संघ के साथ हमने सवाल खड़े किए कि आप लोगों ने क्या किया। मगर जब सच्चाई सामने आई तो बड़ा रोड़ा आता है, जब वो बात सामने आई कि पंजाब से 30 सीटों लोग गए पर जो भारतीय जनता पार्टी का जयंत है, जो भारतीय जनता पार्टी का गुरदासपुर की सीट के अंदर जब सभी जो चुनाव लड़ रहे थे उस सीट का इंसान था, आज भी पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करता है, वो साथी कुछ नौजवानों को ले जा करके और तिरंगे का अपमान किया गया। पता चला बड़ा दुख हुआ कि राष्ट्रवाद का नारा देकर के आने वाले लोग जो अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्र नायक मानते, उन्होंने क्या क्या काम किए। जो तिरंगे की जगह निशान चौक रहा गया वो बीजेपी का आदमी था, तिरंगे के ऊपर खुद प्रधानमंत्री साइन करते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं, मीडिया में चला। मोहनगढ़ के अंदर सरकारी प्रोग्राम था, तिरंगा चढ़ाया जाना था, राष्ट्रीय ध्वज गाया जाना था, वहां पर कमल के निशान वाला झंडा चढ़ाया गया और उनके नीचे खड़े होकर के राष्ट्रीय गान गाया गया, राष्ट्रीय गान की पेशी रही। तब हमने देखा अगर तिरंगा का सबसे ज्यादा अनुमान किसी ने किया तो बीजेपी ने किया, तिरंगा की किसी ने बेहद भी की तो आरएसएस ने की। बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, इस देश की फ्रंट लाइन मीडिया को जिसका धर्म बनता
वो इस देश को टुकड़ों में बांटने के लिए जातीय धर्म की बात करती है। जो इसके देश के अंदर सबसे बड़ी कुर्सियों पर बैठे बैठे लोग हैं, वो इस देश को तोड़ने के लिए दिन रात प्रचार करते हैं, इस देश को जातीय धर्म में बांटते हैं। किसान साथियों, हमारे साथ एक छत खेला गया पहला काम नहीं है, पहला काम नहीं है ये। इन्होंने भारतवर्ष के अंदर जितने बड़े आंदोलन हुए, चाहे वो आंदोलन चाहे छोटा था, चाहे मरक्खों का आंदोलन था, चाहे पटेलों का आंदोलन था, और चाहे खजुरों का आंदोलन था, और चाहे मुसलमानों का आंदोलन था, सबके अंदर अपराध भी घुसा करके उन आंदोलनों को बदनाम कर करके तोड़ा गया। अपराधियों को दबाना देश के खिलाफ भाषण बनाई जाती है, अपराधियों को दबाना देश के खिलाफ उग्रवादियों को पोस्टर लगवाए जाते हैं, अपराधियों को दबाना देश के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, और जब पता चलता है सच्चाई जो सामने आती है, वो सारे के सारे बीजेपी के आगे लेते हैं, बीजेपी के बैंक लेते आगे लोग एक्सपोज हो चुके हैं, का चेहरा सामने आ चुका है। इतना ही नहीं, जब गाजीपुर के अंदर बहुत से साथियों ने भागा की शिकायत के आंसू तो देखे, मगर किस वजह से आईने भी समझा, पुलिस का काम पूरे देश के अंदर लॉ ऑर्डर छोड़ने का होता है, पुलिस का काम गुंडों को ले जाकर के आंदोलन करने पर पत्थर पर छोड़ने का होता है। गाजीपुर के अंदर पुलिस की प्रत्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए लाठियां लेकर के किसानों को मारने के लिए पहुंचा। क्या ये प्रजातंत्र है? इसी को प्रजातंत्र कहते हैं। साथियों, प्रजातंत्र इसे नहीं कहते हैं। जब हमारे देश की आजादी का आंदोलन चला हुआ, हमारे राष्ट्रीय नेता इस भारतवर्ष को आजाद करने के लिए लड़े थे, उनका सपना था कि मेरा देश आजाद हो और मेरे देश के अंदर हर नागरिक को अपने आवाज उठाने का अधिकार हो, अपने लिए बोलने की अक्षमता हो, उसे प्रजातंत्र कहा जाता है। इसे प्रजातंत्र नहीं कहते। 2014 से पहले जब मेरा आंदोलन हुआ, 2014 से पहले भी आंदोलन हुए, बड़े बड़े संघर्ष, मगर कभी भी जनता जनता के सामने नहीं आई। सिंह बॉर्डर पर मैं रहता हूँ, मैं आपको घटना बताता हूँ। सिंह बॉर्डर के पर 50 लोगों को भेजा गया, जो मोहला के थे, बवाना के थे, कंधारा के थे, दिल्ली पुलिस के थे, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। अमन गहाजान वाले कल में नहीं कर रहा था, जिनकी घबराई मुरैना के दौरान के अंदर पार्षद है, बीजेपी पार्षद इतना घटिया चुनके लगा हो रहे, स्थानीय लोगों के नाम पर गहरे चला रहा, वो स्थानीय लोग नहीं थे। अनाज हाँ हरियाणा में है, हम लोग जहां पर बैठे वो संसदी और कुंडली के बीच में थे, सिंधु से पहले नजर लिए, मगर दिल्ली के लोगों को दबाना हमारे पर पत्थर बरसाएंगे, और पत्थर बरसा करके बाद में दीवार निकाल के तीनों भी सात सात आठ आठ फेर के मेरी चोट लगा दिए। अरे बेशरम लोगो, चाइना दुश्मन देश हमारे देश के अंदर आकर के काम बसा गया, काम जहां दीवार पर ये दीवार दीवार नहीं है, जहां कांटों की दीवार पर ये दीवार दीवार नहीं है, जहां टीलों पर ये दीवार टीले नहीं है, इस देश के सबसे राष्ट्रवादी वर्ग के लिए टीले है, इस देश के सबसे ज्यादा व्यापार कर रहे हैं तो वो किसान है। किसान के घर में रखने के लिए पैदा होते हैं, एक खेती करता है तो सौ सेना में जाकर के देश की रक्षा करता, इससे बड़ा राष्ट्र मतलब देश भारतवर्ष में कोई नहीं है। हमारे लिए दीवार लगाते, उनके लिए दीवार नहीं है इनके पास। भाइयों,
इसलिए शुरू हो गए जैसे भाई अखबार ने कहा, क्योंकि देश से कभी मीटिंग हो सकती है कभी हारे ना पड़ता। मैं सारा समय भी देता हूं आप लोगों के बीच में, उसका तो हाथ जोड़ करके माफी मांग लूंगा, लेकिन एक प्रार्थना जरूर करूंगा, ये समस्या कोई पता नहीं कब तक चलेगा, क्योंकि ये हमारा आखिरी संघर्ष आखिरी किसान और मजदूर का आखिरी संघर्ष है। भाई मनोहर जानवर करके गया था, यह सच्चाई है। एक जो अर्थ जिसमें सीमा तोड़ी गई है कि कोई भी 1955 का जो एक था आवश्यक वस्तु अधिनियम की सीमा तोड़ करके काम बनाई को छूट दी गई है, उसके तहत किसान का मतलब एक है कि एफसीआई को लोग तोड़ रहे हैं। एफसीआई वो संस्था है जो भारत के अंदर अनाज खरीदती है, एफसीआई वो संस्था है जिसके तहत पीडीएस सुधर रहा है, और अगर एफसीआई खत्म हुई आपका पीडीएस समाप्त हो जाएगा। एफसीआई का मतलब ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो अनाज सब इसलिए खरीदती है क्योंकि उन्होंने गरीब आदमियों को पीडीएस के तहत सब्सिडी के तहत अनाज देना होता है। आखिरी संघर्ष है साथियों, किसान और मजदूर का आखिरी संघर्ष। मैं क्यों कराऊ सुनो, अगर हम ये आंदोलन हारे तो हम आंदोलन लड़ने की स्थिति में मिलेंगे बराबर हो जाएंगे। हमारी वो हालत हो जाएगी जो आज बिहार के किसान की है, तीन चार तीन तीन चार चार किलो का किसान है जो आपके यहाँ धान लगाने आता है, मजदूर नहीं है वो। और अगर हम आंदोलन जीते तो आने वाले 20-30 साल तक किसी सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे खिलाफ कानून लेकर जाए। इसलिए ये आंदोलन हमारा आखिरी आंदोलन है, इसमें ग्रीट एयर नियम के तहत हमें करना पड़ता है, एक प्रोग्राम देना पड़ता है और पूरे देश को देख कर प्रोग्राम देना पड़ता है। आप सब प्रार्थना है जितने गांव के साथियों आदि है, अपने गांव की संख्या निश्चित करिए। किसी गांव से 50 आदमी है तो उन्हें 50 भी आने चाहिए, चाहे शिफ्ट में आओ कुछ भी करो, किसी गांव के जितने ट्रैक्टर कम नहीं होने चाहिए। जब तक ये आंदोलन करो तब तक निश्चित संख्या बनाए रखनी है, ये प्रार्थना आप लोगों से करने के बाद, क्योंकि साथियों इस आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव भारत पर किसान आंदोलन के 5 लाख रुपए से 4 लाख के लेना करते हैं, 4 जगह लेना है और 4 सब मेजबान। अगर किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेता तो मेहमान की बस्ती बात नहीं होती, पंजाब की संख्या इसलिए रखी थी क्योंकि मेजबान की संख्या थोड़ी सी कम रही थी, जिससे हरियाणा ने दबाव कर रख ली और पूरे देश के आंदोलन को संभाला, पंजाब के साथियों की संख्या में आ गई। और चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम हर हर अपने आंदोलन को जीत करके आएंगे। आपके बीच में दो ही बातें हुई, याद रखना, बात करनी है मगर सच्चाई है, दोनों सूत्रों मारा पाएंगे, मारा जीत कर आएंगे, जीत की मारा पाएंगे, और अगर जीत के भी आए तो दर्द को भी आएगी, दर्द को भी मारा पड़ेगी। भाई खाने में आएंगे बिल्कुल, लेकिन भारत से प्रार्थना है कि ताकत आपके बगैर हमला नहीं सकते, आप ताकत देंगे तब नहीं हमला सकते। अगर वहां से किसान के साथ बैठे भाईचारा पीछे से सपोर्ट नहीं करेगा तो अकेले नेता कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरी प्रार्थना आप सबसे पूरे ग्राहकों को अपने संख्या में बनने रह गया है, अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से बना रहा है। जो भी किसान नेता होगा, किसान मोर्चे का आदेश है, सब उसको फॉलो करना है, अपनी मर्जी नहीं चलानी, क्योंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन है। राष्ट्रीय आंदोलन में अगर अपने अपनी मर्जी से चलने लगे तो आंदोलन खराब हो जाएगा, आंदोलन टूट जाएगा। आपको कितनी भी संयम रखना पड़े, आपने कितने भी धैर्य रखना पड़े, आखिर सिर्फ राष्ट्रीय किसान मोर्चा का आदेश मानना है। इन बातों के साथ कोई गलत बात नहीं करेंगे, उसके लिए माफी चाहूंगा। धन्यवाद साहब।